अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज़ाद खुशबू वाला। मेरा नाम गुफरान अहमद है और नफीसा परफ्यूम साहब से मुखातिब हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा खुशबू का कारोबार है, खुशबू का काम है, परफ्यूम्स, अतर और बखूर, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। तो हम लोगों ने ये थाईलैंड से ऊद की लकड़ी जो है मंगवा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ख़ुद इसका ऑयल तैयार कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मेरा ख्याल ऑयल कोई भी नहीं बना रहा, प्रोड्यूस कर रहा, सिवाय हमारे। हमने जो है ये लकड़ी थाईलैंड से मंगवा के ख़ुद यहाँ ऑयल प्रोड्यूस किया और हमने मुख्तलिफ़ किस्म के इसी से बखूर स्टिक से जो है बखूर तैयार किए हैं, ऊद वुड से मुख्तलिफ़ किस्म के बखूर तैयार किए हैं। तो उन्हीं में से एक बखूर आपको दिखाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये हमारा जो है आइटम है, आप जैसे कि देख सकते हैं, बखूर तबीयी। ये 40 ग्राम इसका वज़न है बॉटल का, बखूर तबीयी के नाम से है। और ये हमने इसी से ऊद वुड से ही, यानी कि उसके जो ज़रात हम करते हैं, पहले ग्राइंड करते हैं यानी कि ऊद की लकड़ी को, उसके बाद उसका अतर भी बनाते हैं, उसका हम बखूर भी बनाते हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारे पास अवेलेबल है और आप इस इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे, चेक करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आपके दोस्तों को पसंद आएगा। घर में जलाएंगे तो इंशाल्लाह पूरा घर आपका, जैसे शरीफ में एक ऊद की फ़िज़ा होती है, पूरा यानी कि खुशबू फैली हुई होती है सब जगह, हरम शरीफ के बाज़ारों में, मस्जिद नबी में ऊद की लकड़ी जलाई जाती है। तो इंशाल्लाह अगर आप ये बखूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी, वही इंशाल्लाह माहौल महसूस होगा और याद ताज़ा होगी इंशाल्लाह। तो अभी थोड़ा सा बखूर जलाएंगे भी और जला के देखेंगे भाई क्या इसका रिज़ल्ट है इंशाल्लाह, आपके साथ शेयर भी करेंगे कि मज़ा आ रहा है और कैसी फीलिंग आ रही है। तो जी चलाते हैं, हमने कोयला जलाया हुआ ऑलरेडी इसमें, और ये हमारा बखूर तबीयी है, मेड बाय नफीसा परफ्यूम्स। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा यानी कि डीप खुशबू है और ऊद जो है यानी कि बेहतरीन इसका टेस्ट है। ये इंशाल्लाह आपको याद दिला देगी, इंशाल्लाह हरम शरीफ की याद दिला देगी और मज़ा आएगा। आप अपनी पार्टीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने घरों में यूज़ करें, ऑफिसेज में, जितनी मतलब मकदार आप लोगों को सूट करें। अगर कम जलाएंगे कम खुशबू होगी, ज़्यादा अगर बड़ा एरिया है, आप मस्जिद में जलाना चाहते हैं थोड़ा क्वांटिटी में जलाएं, और अगर कोयला ले जाना मुश्किल है मस्जिद के अंदर, क्योंकि ममनुआ चीज़ है, मस्जिद के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आसानी हो, सहूलत हो, थोड़ी देर आप देख लें, टेक केयर कर लें। और इलेक्ट्रिक जो है बर्नर है, इलेक्ट्रिक बर्नर पर भी आप जला सकते हैं इंशाल्लाह, इलेक्ट्रिक बर्नर्स भी अवेलेबल हैं इंशाल्लाह, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल। तो बाकी बखूर इसके अलावा दुबई के बखूर भी मौजूद हैं, और सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो है ऊद की लकड़ी, यानी कि ऊद स्टिक्स, ऊद बखूर। ये ऊद जो है सबसे बेस्ट है, इसका मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऊद की लकड़ी। अगर आपको चाहिए हो तो मैं कुछ इसमें से पीसेज आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा करीब से आपको चेक करवाते हैं ऊद की लकड़ी। देखिए इस तरीके से होती है ये दरख्त, बेसिकली ये इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, इस साइड पे ये एक पूरा जंगल का सिलसिला है, वहाँ पे जो है ये मतलब अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का निज़ाम है। देखें ये जितनी भी आप लकड़ी देख रहे हैं, इसके अंदर ब्लैक धारियाँ जो नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली ऑयल है। और कैसी कैसी अल्लाह ताला की नेमतें हैं कि देखें आप, दरख्त के अंदर ऐसा ऑयल प्रोड्यूस किया है और के खुशबू ही खुशबू। और ऊद की लकड़ी का मैं आपको बताऊं, इसके फ़वाद है, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये जहनी जो टेंशन होती है उसको रिलीज़ करता है, दिमाग की खुश्की को ख़त्म करता है, ये हमारी जहनी और जिस्मानी क़ुव्वत को बढ़ाता है। ऊद की लकड़ी की सिर्फ धुनी देना और इससे शयातीन भी भागते हैं, बहुत बेहतरीन आइटम है। तो ऊद की लकड़ी ज़रूर ट्राई करें। और साथियों को मशवरा है कि जो इस वक्त मतलब परफ्यूम्स बहुत शौक से लगा रहे हैं, अच्छी बात है, परफ्यूम ठीक है, सबकी ज़रूरत है, लेकिन अतर जो है आप इस्तेमाल करें, अतर के ऊपर आए आहिस्ता आहिस्ता, और अतर लगाना जो है सुन्नत भी है
और अतर के अंदर सबसे जो बेहतरीन सुन्नत है ऊद है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊद की खुशबू को पसंद फरमाया है, ऊद बेहतरीन खुशबू है। तो हमारे पाकिस्तान में तकरीबन कह सकते हैं कि 95% हमारे पाकिस्तान में भी और दूसरे कंट्रीज़ में भी 95% जो इस वक्त ऊद की खुशबू यूज़ हो रही है वो सिंथेटिक है, यानी कि ऊद का सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा है, और जो पाँच बाकी बचता 5%, तो 5% प्योर ऊद अवेलेबल है। लेकिन बदकिस्मती से कि हम लोग जब ऊद हम बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो इतनी हैवी कॉस्टिंग होती है, इतनी हैवी प्राइसेस होती हैं कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इजीली, यानी कि अबव 10,000 पर 12 ग्राम, यानी कि लोएस्ट क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो अबव 10,000 पर तोला, फिर इससे ऊपर और भी चले जाते हैं 20,000, 40,000, 80,000, लैख 1,20,000 पर तोला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी जो है वैरायटी अवेलेबल है ऊद की। तो और ये हमने जो ऊद का ऑयल तैयार किया है, अतर तैयार किया है, उसका भी आपको साथ साथ बताते चलें कि उसकी हमने प्राइस रखी हुई है 3,200 पर तोला। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता भी हूँ, चेक करवाते हैं ऊद आपको इंशाल्लाह। ये है ऊद मुबक्खर जो कि हमने ऊद मुबक्खर है जो कि हमने लकड़ी से तैयार किया है, ठीक है। इसमें कोई सिंथेटिक टच नहीं है, कोई और खुशबू, कोई केमिकल इसमें ऐड नहीं किया गया, बेहतरीन ऊद है। इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे, इसकी खुशबू जब हम लगाते हैं, देखिए ये तरीका है लगाने का, हालांकि ये बहुत डेंस है, गाढ़ा है, ठीक है, लेकिन ये हाथ में थोड़ा सा लेके, क्योंकि देखें आपने अगर मज़ा लेना थोड़ा सा आपको गैप बर्दाश्त करना पड़ेगा, इस तरीके से लगाया जाएगा। फिर उसके बाद जो है इसकी खुशबू, यानी कि शुरू शुरू में महसूस नहीं होगी, जो असल ऊद का मज़ा है वो शुरू होगा कम से कम एक घंटे के बाद इसका जो असल मज़ा है वो शुरू होगा, और उसके बाद फिर कपड़ों में जो है हफ्ता भर, यानी कि हफ्ता 10 दिन इंशाल्लाह जैसे मैंने इस जगह पे लगाया, खुशबू आती रहेगी, खुशबू जल्दी जाएगी नहीं इंशाल्लाह। तो ये हमारे जी आज की वीडियो है, और हमारी वीडियोस को भी इंशाल्लाह अपने अगर अच्छी लगे, पसंद आए, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें इंशाल्लाह, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो इंशाल्लाह, और आगे मज़ीद वीडियोज़ बनाते रहें इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।